वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक फ़ोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो आईकाल ब्रांड का फ़ोन होने वाला है। तो अगर आप एक फ़ोन बाई करना चाहते हो, एक एंड्रॉयड फ़ोन बाई करना चाहते हो, तो ये फ़ोन आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, जिसकी इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, जो आईकाल ब्रांड का फ़ोन होने वाला है। फ्रेंड्स, इस फ़ोन में आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, बैटरी का बैकअप कैसा होगा, कैमरे की क्वालिटी कैसी होगी, और क्या आप इसमें पबजी फ्री फायर खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए फ्रेंड्स ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, और मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ, दोनों का रिव्यू अनबॉक्सिंग करता हूँ, सो डेट आपको प्रोडक्ट को बाई करने के बाद कोई भी कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कोई भी इग्नोर मत करना। तो देखते हैं कि ये फोन कैसा होने वाला है। इस वीडियो में मैं इस फ़ोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये फ़ोन आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इस फ़ोन में आपको कैसे क्या फ़ीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसका बैटरी का बैकअप कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी, गेमिंग के लिए कैसा होगा, कॉलिंग के लिए कैसा होगा, कैमरे की क्वालिटी कैसी होगी, और आपके लिए कैसा होगा, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को इग्नोर मत करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, सो डैट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मेरा फ्यूचर में कितना भी चैनल ग्रो हो जाए, मैं किसी भी ब्रांड से घूस कमीशन नहीं लूँगा, रियल रिव्यू रियल अनबॉक्सिंग करूँगा। सो प्लीज़ कोई भी इग्नोर मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिल्कुल फ्री में है फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो डैट आपको हर एक नॉलेजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आपको देखने को मिल रहा है कि इस फ़ोन में आपको बैक के तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं, डबल फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती हैं, और फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये आईकाल ब्रांड का ये फ़ोन होने वाला है। ओके, ये देखो, फ्रंट से भी इसका लुक काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, और बैक से भी, ये देखो, बैक का कुछ लुक ऐसा होने वाला है, फ्रंट का कुछ ऐसा होने वाला है। अब बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, एमआरपी की, देन फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन का जो मॉडल नेम है आपको देखने को मिल रहा है आईकाल Z13। ओके, तो ये इस फ़ोन का मॉडल नेम है आईकाल Z13। ओके, और इसमें आपको 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 6,499 रुपये आपको देखने को मिल रही है, जो प्लस माइनस होती रहती है, ये कोई एग्जैक्ट एमआरपी नहीं है फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपको 5,600, 5,800, 6,000 का भी मिल जाए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इसकी कोई भी फिक्स एमआरपी नहीं है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें आपको 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर इसका नॉर्मल होने वाला है, ज़्यादा बेस्ट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। कैमरे की बात करें तो आपको बैक का एक कैमरा वर्क करता है, दो कैमरे आपको फेक देखने को मिल जाते हैं, जो 13 एम्पेयर का होने वाला है, तो आपको रियर कैमरा मीन्स बैक का कैमरा 13 एम्पेयर का मिल जाता है। फ्रंट कैमरे, सेल्फी कैमरे की बात करें, जिससे आप सेल्फी खींचते हो, वो कैमरा आपको 8 एम्पेयर का देखने को मिल जाता है फ्रंट का। स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो 6.53 इंच का आपको स्क्रीन का साइज़ देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप 5,000 mAh का आपको बैटरी का बैकअप इस फ़ोन में
देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स के। तो अब बात करते हैं कि भाई ये फ़ोन आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छा एक बेस्ट फ़ोन बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, तो भाई इस फ़ोन को गलती से भी बाई मत करना। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट नहीं होगी और आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर पाओगे। बैटरी का बैकअप भी अच्छा नहीं होगा और कैमरे की क्वालिटी भी ज़्यादा बेस्ट नहीं होगी फ्रेंड्स। सो प्लीज़ इस फ़ोन को बाई मत करना। आप कोई दूसरा फ़ोन बाई कर सकते हो। कुछ मैं आपको मॉडल नेम बता रहा हूँ, फ़ोन के ब्रांड बता रहा हूँ, आप उन ब्रांड के फ़ोन बाई कर सकते हो अपने पॉकेट के MRP के अकॉर्डिंग। ओके, आप बाई कर सकते हो पोको का फ़ोन बाई कर सकते हो, ओप्पो का बाई कर सकते हो, रियलमी का बाई कर सकते हो, मेट्रोला का बाई कर सकते हो, सैमसंग का बाई कर सकते हो, रेडमी MI का बाई कर सकते हो, वीवो का बाई कर सकते हो। ऐसे ब्रांड के आप फ़ोन बाई कर सकते हो जो काफ़ी बेस्ट होंगे और आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे फ्रेंड्स, आपका पैसा ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस फ़ोन को बाई करोगे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है भाई, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस फ़ोन को बाई मत करना। जो मैंने आपको ब्रांड बताए हैं आप उन ब्रांड का फ़ोन बाई कर सकते हो अपनी MRP के अकॉर्डिंग। ओके, आपके पॉकेट में जितना बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंग आप फ़ोन बाई कर सकते हो। इवन 6,000 रुपये से भी फ़ोन की स्टार्टिंग होती है, 6,000-6,500 से भी उन फ़ोन की स्टार्टिंग होती है। उसमें आपको हो सकता है 2/32 या 2/16 का ही स्टोरेज देखने को मिले, फिर भी वो फ़ोन काफ़ी बेस्ट होगा कंपेयर देन इस फ़ोन से जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो वो फ़ोन आप बाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही है। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज़ उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, सो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पे नए हो अभी तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, कोई डाउट है आपका कैसा भी किसी भी तरह का, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।